Welcome to Triangle God Show. I'm Subhash Karthik, your life coach from Kolkata. Okay, so एक standard ने question है मेरे साथ कि optimism and realistic में क्या difference है? Optimism itself is a reality for me. Yes friends, अगर मैं ये सोचूं कि जो मैं सोच रहा हूँ वो एकदम positive है और उस चीज को मैं believe करूँ, So, जो मैं बिलीव करूंगा अपने लाइफ में वही मैं अपने सामने देखूंगा. अगर मुझे ये पता है कि आज एपिसोड नंबर 1 है और आज मेरे बहुत सारे दोस्त मुझसे जुड़ने वाले हैं, तो मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ रहे हैं. सो शायद ये रियलिटी नहीं है, शायद ये मेरी ऑप्टिमिज्म है जो मेरे लिए रियलिटी की काम कर रही है. सो ऑप्टिमिज्म एंड रियलिटी में यही फर्क है कि आगे कौन है. आगे ऑप्टिमिज्म है तो ऑप्टिमिज्म से मैं आगे का जो हमारा लाइफ है उसको मैं रियलिस्टिकली पॉजिटिव देखूंगा. अगर मेरे सामने रियलिटी है तो जो है मुझे वही दिखेगा. सो मुझे लगता है अगर मुझे किसी एक चीज को चुनना पड़े तो मैं ऑप्टिमिज्म को चुनूंगा, क्योंकि ऑप्टिमिज्म ऑप्टिमिस्टिक थॉट के बाद जो रियलिटी मैं देखता हूं वो रियलिटी मुझे एक नॉर्मल रियलिटी से काफी अच्छा लगता है. सो प्लीज कीप थिंकिंग पॉजिटिव एवरी टाइम. ओके, ओवरकम योर फियर इन एन ओपन प्लेटफॉर्म. बॉस मैं तो यही चीज बोलूंगा, जब भी आप कोई ओपन प्लेटफॉर्म में हो तो थोड़ा बहुत डर अच्छा है, क्योंकि अगर डरोगे नहीं तो सीरियस नहीं होगे. क्योंकि थोड़ी कभी कभी क्या होता है, हम लोग काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो अगर डर है तो शायद हम जमीन पे हैं. तो थोड़ा डर हमेशा. राइट नाउ मैं आज पहला एपिसोड है और मैं बहुत ज्यादा डर रहा हूं. इसलिए डर रहा हूं कि क्या ये एपिसोड रियली में आगे जाएगा कि नहीं जाएगा. तो थोड़ा डर है और शायद इसीलिए मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूं इस शो को लेके, और मुझे बहुत ज्यादा भरोसा है कि ये शो मैं काफी आगे तक ले जाऊंगा. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू. हाउ टू कंट्रोल एंगर? ओ माय गॉड, बॉस एक ही चीज है, आप किस पे एंग्री हो रहे हो उस इंसान को पकड़ो बस. अगर वो इंसान का इंटेंशन देखो. सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि अगर ये शो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर करो यार, अभी शेयर करो ताकि आपके आसपास जो है वो भी देख सके. हाँ, तो मैं एंगर को लेके बात कर रहा था. दोस्तों, एंगर जब आप होते हो तो कोई एक सोर्स होता है, राइट, एक इंसान होता है. तो पहले उस इंसान का इंटेंशन देखो, वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है. अगर नेगेटिव है तो सोच के फायदा नहीं है, क्यों यार उस पर दिमाग लगाओगे आप. अगर उसका इंटेंशन पॉजिटिव है तो दो ऑप्शन है, या तो वो आपको बहुत ज्यादा प्यार करता है या करती है इसीलिए वो आप पे गुस्सा हो रहा है. और सेकेंड है कि दैट पर्सन नीड्स हेल्प, उसे हेल्प चाहिए. आप अच्छे से देखो, जब भी कोई इंसान आप पे चिल्लाता है, एंगर होता है, उसके दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो उसको हेल्प चाहिए और या तो वो आपको बहुत ज्यादा प्यार करता है. तो ये दोनों ऑप्शन पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव ऑप्शन के लिए आप बेकार में एंग्री हो रहे हो. सो प्लीज बी हैप्पी, हैव ऑप्टिमिज्म. हमने आज का स्टार्ट ही किया है ऑप्टिमिज्म के साथ. So, how can I fight with sensitive issues with close ones? Close ones के साथ problems हमेशा होते रहेंगे. इसी चीज को एक चीज समझने की कोशिश करना, एक बार उस इंसान के तरफ से सोचना, तो शायद उस इंसान का perspective आपको समझ में आएगा. तो मैं यही बोलूंगा कि कभी एक बार आप सोचो, आप बैठो उसके जगह और एक बार सोचो कि वो इंसान क्या सोच रहा है, वो क्यों मुझे ऐसे देखता है, वो क्यों मुझे ऐसा बोलता है. आपको आपका आंसर मिल जाएगा, बट उसके लिए आपके पास जो होना चाहिए अनबायसनेस होना चाहिए, नहीं तो आप उसके चेयर में बैठ के भी आप ही के जैसे सोचोगे. इतने सारे क्वेश्चन एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है, बट मैं कोशिश कर रहा हूं जितना भी हो सके आज टैकल करने के लिए. बट मैं एक चीज बताऊंगा, इस शो के बाद जरूर आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी जो भी दिमाग में आ रहा है मैं बताते जा रहा हूं. हो सकता है कि थोड़ा शॉर्टकट हो, बट मैं कोशिश करूंगा शॉर्टकट में भी
एक ऐसा इंजेक्शन दू जो मजे का काम करे। हाय सोनी, हाय शोभिक, सो मेनी क्वेश्चन, हाउ टू कंसंट्रेट ऑन द वन विजन सर। सोनी एक ही चीज मैं बोलूंगा, डू वॉट एवर यू लव, जो अच्छा लगता है आपको वो करो, आपकी विजन हमेशा आ जाएगी। हम हमेशा वो चीज करते हैं जो हमें बोला जाता है और जो हमें लगता है कि जिससे हमें बहुत सारे पैसे आएंगे। सो उन विजन में जब भी हम लोग जाएंगे तो आसपास के बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं जो हमें डाइवर्ट करेंगे। सो द बेस्ट पार्ट इज आप वो करो जो आपको अच्छा लगता है, या तो जो आप कर रहे हो उसको आप प्यार करना स्टार्ट कर दो। ये दो ही ऑप्शन है, आप देखोगे आपकी विजन आ जाएगी। जब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो भाई साहब, तो प्लीज आप एक ऐसे जगह पे चले जाओ जहां पे कोई ना हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए नहीं कि आप उस सिचुएशन से भाग रहे हो, आप इसलिए वो जगह छोड़ के जा रहे हो क्योंकि एकांत, एक यू मस्ट बी अलोन व्हेन यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, क्योंकि आप अगर बाहर जाओगे तो बहुत लोग हैं जो आपको डाइवर्ट करेंगे। सो द बेस्ट थिंग इज अकेले रहो और सोचो, एकदम राइट सोचो कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रस्ट्रेटेड वही होता है जो इंसान खुश नहीं होता है। प्लीज खुश रहो, जो कर रहे हो आप खुश रहो, आप कभी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगे। आप अगर वो कर रहे हो जो आपकी फैमिली चाह रही है, तो आप सारा जीवन चाहे आपके पास कितने भी पैसे हो, आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। सो प्लीज, फ्रस्ट्रेटेड अगर हो तो इसका मतलब है आप जो काम कर रहे हो वो काम में आपको मजा नहीं आ रहा है। हाउ कैन आई फाइट विद सेंसिटिव इश्यूज विद क्लोज वंस? क्लोज वंस आर वेरी सेंसिटिव, सो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहली चीज उसके पास जाओ, उनको मनाओ, उनके तरफ से सोचो, आप देखना कि प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके कम होती रहेगी। रेस्पेक्ट दैट पर्सन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर हाँ, अगर गुस्सा हो जाओ ना, तो एक ही चीज दिमाग में रखो कि ये गुस्सा आप क्यों हो रहे हो। अगर गुस्सा हो रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई इंसान आपको गुस्सा दिला रहा है, इसका मतलब है कि आप में वो गुस्सा दिमाग में है, वो इंसान आ रहा है और आपको बस वो प्रिक कर रहा है और आप गुस्सा कर रहे हो। जी हाँ, अगर सोचो एक 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 वेल है, एक कुआं है, उस कुएं में मैं बाल्टी डाल रहा हूं, सपोज उस कुएं में अगर पानी है ही नहीं, तो मैं बाल्टी जितने बार भी डालूंगा वहां से पानी तो निकल नहीं कर रहा, नहीं निकलेगा। सो फ्रेंड्स, आप वही सोचो, आपका दिमाग एक कुआं है जिसमें अगर गुस्सा है तो कोई भी इंसान जब आप पे बाल्टी फेंक रहा है तो उसको गुस्सा मिल रहा है। तो गुस्सा होने का एक ही चीज है, हमेशा स्माइल करते रहो, स्माइल करते रहो, जैसे मैं स्माइल कर रहा हूं, और बहुत सारे एग्जांपल हैं, लेकिन स्माइल करते रहो। गुस्सा अच्छी चीज नहीं है, हमें नहीं चाहिए वो चीज, जो चाहिए उस पर फोकस करो, हमें खुश रहना है। हाउ नॉट टू बी ऑब्सेस्ड विद समवन? सेल्फ लव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप खुद को प्यार नहीं करोगे, सो कोई भी इंसान आपको प्यार नहीं करेगा। ये चीज मैं अपने लाइफ में फोकस किया हूं। जब भी मैं किसी के लिए सोचता हूं, वो किसी के लिए सोचता है। जब मैं किसी को प्यार करता हूं, वो किसी और को प्यार करता है। एक बार अपने को प्यार करना स्टार्ट कर दो, उसके बाद देखो सारा जमाना आपको प्यार करने लगेगा। सो ऑब्सेस्ड होने की बात ही नहीं है, खुद को प्यार करो, लोगों को रिस्पेक्ट करो, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद को प्यार करो, खुद से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग, खुद का हेल्थ, खुद का पढ़ाई, खुद का जॉब, खुद का बिजनेस, खुद का फाइनेंशियल सिचुएशन, खुद के लोग, सबको प्यार करो एंड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीवन। हाँ, तीन क्वेश्चन मेरे पास आए थे जो मैं आपके साथ बताऊंगा। मेरे पास ईमेल आया था, फ्रस्ट्रेशन, बहुत लोग रिजल्ट को लेकर फ्रस्ट्रेट होते हैं। एक ही चीज बोलूंगा, जो आप डिजर्व करते हो आपको वही मिलेगा। हमें छोटे से ही ये बताया गया है कि जब तक आप अपने गोल पे ना रीच करो, तब तक हंसना मत, तब तक खुश मत होना, तब तक कॉन्फिडेंट मत होना। माय डियर फ्रेंड, जो इंसान अपने जर्नी पे खुश है, मुझे नहीं पता कि ये ट्राई मी गॉड शो आगे जाएगा कि नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज दैट एंड पॉइंट, बट माई डियर फ्रेंड, आई एम एंजॉइंग द प्रेजेंट, आई एम एंजॉइंग द जर्नी, एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने जर्नी को एंजॉय नहीं कर रहे हो, आई कैन गारंटी
आप अपने डेस्टिनेशन को एंजॉय कभी नहीं करोगे। हाँ, रिलीफ होगा, चलो भाई मैं पहुंच गया जहां मैं पहुंचना चाहता था, लेकिन रिलीफ एंड हैप्पीनेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, राइट? हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेशन इन रिलेशनशिप। दोस्तों, एक्सपेक्टेशन बिल्कुल जरूरी नहीं है। आई नो एक्सपेक्टेशन नॉर्मल है, बहुत लोग बोलेंगे कि रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशन नॉर्मल है। फ्रेंड्स, एक चीज मैं बताऊंगा, द मोर यू लव योर सेल्फ द मोर यू लव अदर्स, एक्सपेक्टेशन की कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज अगर आप अच्छा कर रहे हो तो लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स जरूर करेंगे। आप जितना लोगों के बारे में सोचोगे, लोग उतना आपके बारे में सोचोगे। आप जैसा चाहते हो कि लोग आपसे ट्रीट करें, आप उन्हें उस हिसाब से ट्रीट करो। दीज आर द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। एक्सपेक्टेशन इज डेंजरस, एक्सपेक्टेशन किल्स। मैं अच्छा काम कर रहा हूं एंड आई होप कि आप लोग के लाइफ में चेंज आ रहा है। सबके लाइफ में नहीं आ रहा है, बट आ रहा है। लेकिन अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊं कि यार चेंज क्यों नहीं आ रहा है, चेंज क्यों नहीं आ रहा है, चेंज क्यों नहीं आ रहा है, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट। यार, आपका जन्म ना मेरे लिए हुआ है, ना मेरा जन्म आपके लिए हुआ है। वाई शुड वी एक्सपेक्ट? वी शुड ऑलवेज वर्क, वी शुड ऑलवेज सर्व, वी शुड ऑलवेज गिव, वी शुड ऑलवेज ट्रीट people the way we want to be treated. That's what expectation kills, hope kills. Yes, a question aur aaya hai, why can't people understand introvert? Haan, bahut log introvert hain, wo sochte hain ki log hame nahi samajhte hain. Bahut log introvert hain, bahut kam baat karte hain. Friends, I am also introvert, but I love to talk. Log ko samajhne में अगर आ रहा है कि मैं introvert हूं तो गलती मेरी है। Introverts people are awesome people. Even extrovert people are awesome too. But I'm telling you, जो आप course accept करो, अगर आप introvert हो, आप बात कम करोगे, but smile तो ज़्यादा कर सकते हो, face तो कर सकते हो audience को, थोड़ी बहुत बात करते रहो, एक दिन आदत हो जाएगी और आप ये extrovert introvert के झमेले से निकल जाओगे। So please, don't give excuse that you are an introvert. Talk. Look at the eyes of the people whom you are talking. जिससे बात कर रहे हो उसको देखो, smile करो, like को enjoy करो. Loving self, boss, loving self मतलब जो है उसको accept करो. सबसे पहले अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो सबसे पहले यहाँ पे हाथ रखो और बोलो I'm sorry and I forgive myself. Right now is the present with you. आप एक छोटे बच्चे को देखना, वो इतना खुश क्यों होता है? बिकॉज वो प्रेजेंट में जीता है। जिस दिन आप, जिस दिन मैं, सारे लोग प्रेजेंट में जीना स्टार्ट कर दोगे, देंगे उस वक्त तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बॉस। सो लव योरसेल्फ। लव सेल्फ मतलब अपने के लिए केयर करो, अपने बॉडी को लेके केयर करो, अपने सोच, अपने बात को लेके केयर करो। दैट्स व्हाट अबाउट लव योरसेल्फ। एंड आई होप कि ये शो, एक ही चीज मैं बताऊंगा, ये शो को जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने जान पहचान के साथ। क्या पता कब कौन सी बात किसको लग जाए और चेंज वहीं से आना स्टार्ट कर दे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू माई फेसबुक फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच टू माई फेसबुक फ्रेंड्स, टू एवरीवन, माई फ्रेंड, माई कलीग, एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। So friends, I hope you are enjoying this live show in Facebook. That is, try me God. Yes, बहुत दिन हो गए, why me God करते हुए. This is the time when we have to say, try me God. Why me God की कोई जरूरत नहीं है. Why me God जब हम बोलते हैं तो हम अपना responsibility लेना बंद कर देते हैं। Why me God की कोई जरूरत नहीं है। Every time try me God, because when you say try me God, भगवान, अल्लाह, जीसस, वो भी सोचता है यार इसको प्रॉब्लम देके कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फायदा नहीं है। सॉरी। So friends, I hope you all are enjoying and I'm how to be a good manager. Good manager के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो करो जिस पे आपका नॉलेज और स्किल दोनों एक्सपर्टीज हो। वो मत करो जिसमें आपकी एक्सपर्टीज ही ना हो। मैं पहले बैंकर था और बैंक के बारे में जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो स्किल होनी चाहिए, वो मुझमें उतना नहीं था।
लेकिन आज जब मैं लाइफ कोचिंग फील्ड में हूं, इसके बारे में पढ़ता हूं, सोता हूं तो इसी को लेके, खाता भी तो इसी के साथ, चलता हूं, सोचता हूं इसी के बारे में, सोचता हूं इसी के बारे में, बुक्स पढ़ता हूं, लोगों के बारे में जानता हूं और नॉलेज इकट्ठा करता हूं। और जब भी मैं लोगों के साथ बात करता हूं, उसके साथ मैं लाइफ कोचिंग सेशन लेता हूं, तो वो मेरे स्किल को और ज्यादा बढ़ाती है। तो वही बात है, जो भी आप काम कर रहे हो उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज और वो काम को मैं कैसे करूं, वो स्किल आपके पास होना चाहिए। और सामने वाले जो आपके कस्टमर्स हैं उनको सल्यूट, उनको रेस्पेक्ट आपको देना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेस्पेक्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप मैनेजर क्या, आप सुपर मैनेजर बन जाओगे। कैसे अपने फियर को, फियर इज नॉट रियल, सो फियर मत करो। जो भी चीज से आपको फियर है ना, उसको, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में सोचो और आप उस ये सोचो दिमाग में आंखें बंद करके कि आप उसके पास जा रहे हो। जैसे ही आपको डर लगे, आप पॉज करो, फिर अपने आप को रिवाइंड करो, एंड यू कैन इमेजिन दैट इन योर माइंड। आप अपने आप को रिवाइंड करो, फिर आंखें खोलो, फिर आंखें बंद करो, फिर चलते रहो उस फियर के पास, फिर देखो। जैसे ही फियर आए, आपको अगर डर लगे, तो फिर रिवाइंड बटन दबा के फिर वापस आओ, फिर आंखें खोलो। यू डू दिस एक्सरसाइज करेज के साथ करो, धीरे धीरे करके आप देखोगे, आप धीरे धीरे करके और ज्यादा आगे बढ़ रहे हो, और ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। एंड दिस इज द वे, दिस इज ऑल्सो द वे टू फाइट विथ योर फियर्स। बट एक चीज तो कॉमन बन गई यहां पे, कि फेस तो करना पड़ेगा आपको। हाउ टू मैनेज एंजाइटी, वो करो जो आपको अच्छा लगे। चिंता का कोई सिचुएशन ही नहीं, लोगों से एक्सपेक्टेशन मत करो तो एंजाइटी कभी आएगी नहीं। अपने को प्यार करो, और सफलता जो हम लोग ने मूवी पे भी देखा है 3 इडियट्स में, सफलता के पीछे मत भागो, सफलता के लिए अपने को काबिल बनाओ। यस फ्रेंड्स, बी डिजर्विंग फर्स्ट। क्वेश्चन फॉर प्रवीण भाई, आपके लिए, आपने कहा है कि भाई कैसे लीडर कैसे बने। वैसे तो लीडर बनने के बहुत सारे वेज हैं, बट मैं एक ही चीज़ बताऊंगा कि अगर इफ यू वांट टू बी अ लीडर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू व्हाट यू लव। देन जो भी आप काम कर रहे हो उसके बारे में जितना भी नॉलेज स्किल है उसको इकट्ठा कर लो। जिसके साथ भी आप काम कर रहे हो उसको अच्छा फील करो, राइट। एंड लर्न टू से नो, बी असर्टिव। जी हाँ, जिसको ना बोलना है ना उसको मुंह पे ना बोलो, बट ना को स्माइल करते हुए बोलो। देखो बॉस, आई एम वेरी सॉरी। हाँ, सॉरी अगर बोलना है तो एक बार बोल देना, लेकिन एक से ज़्यादा बार सॉरी बोलोगे तो बंदे को लगेगा कि अभी भी चांस है। तो लीडर वो होता है जो असर्टिव होता है, ज़रूरत के टाइम पे ना बोलता है, लेकिन अच्छे से, थोड़ा स्माइल के साथ, रूडली नहीं। और यही चीज़ है कि बस अपने को एक्सपेरिमेंट करते रहो, लाइफ में रिस्क लेते रहो और आगे बढ़ते रहो। हाय अनुज्ञा, आपका जो क्वेश्चन है, इफ आई हैव अ चॉइस देन व्हाट शुड वी चूज, मनी और वर्क। आई विल जस्ट आंसर वन थिंग, कि अगर आपको पैसे और वर्क के बारे में, दोनों में से किसी एक को चुनना है, तो चूज योर वर्क। यस, बिकॉज इफ यू लव योर वर्क यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी। यस, यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी। व्हाई आई एम टेलिंग यू, अगर तुमने वो किया जो तुमको अच्छा लगता है, उस काम को तुम करते हो अगर, और अगर उस काम को करते हुए आपके पास कुछ पैसे नहीं आ रहे हैं, तो समझ जाना कि ये काम आपके आप इसको प्रोफेशन नहीं बनाए तो अच्छा है। अगर आपको ये लगता है कि आपके पास उस काम को करते वक्त कम पैसे आ रहे हैं या काफ़ी एवरेज पैसा आ रहा है, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, इसका मतलब है कि उस काम को करने के लिए आपको थोड़ा और ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है। और थर्ड ऑप्शन है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे हैं तो प्लीज़ कीप ऑन डूइंग दैट वर्क। सो फ्रेंड्स, स्पेशली अनुज्ञा, डू वॉट यू लव टू डू, मनी विल कम लाइक एनीथिंग। हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई थिंक हमने बहुत कुछ डिस्कस किया आज, एंड आई थिंक आगे जाके विल बी मेकिंग दिस शो सुपर शो। एंड आप लोग अगर हो तो ये शो है
अगर आप नहीं हो तो ये शो नहीं हो पाएगा। तो इस शो को जितना हो सके आप शेयर करो, लाइक करो, शो को आप ही हिट बना सकते हो। सो मैं सुभाष कार्तिक अभी आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, फिर मिलेंगे।